नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल सतरंगी की जीवन में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटी जलेबी चाट। जी हाँ, चटपटी जलेबी चाट। मीठी जलेबी तो सबने खाई है, मैंने सोचा क्यों ना चटपटी जलेबी चाट भी सबको खिलाई जाए, सब लोगों का टेस्ट अच्छा करा जाए। चटपटी जलेबी चाट की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चटपटी जलेबी चाट के लिए हमने लिया है साबुदाना। साबुदाना आपको 1/4 कप लेना है। 1/4 कप में मैंने नमक डाल दिया है इसी के अंदर, और ये मैंने 1 कप मैदा ली है। ये आलू लिए हैं 2 से 3 आलू लेने हैं आपको। दही लेना है आपको, दही थोड़ा खट्टा होना चाहिए, और थोड़ा सा पानी। सबसे पहले मैं साबुदाना को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूंगी। इस साबुदाना में मैंने जो नमक मिलाया है वो 1/4 चम्मच है, तो 1/4 चम्मच डालकर और इसको ग्राइंड कर लेंगे हम। अगर आप लोगों के पास साबुदाना अवेलेबल नहीं है तो आप राइस का आटा भी ले सकते हैं। ये साबुदाना देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये ऐसे दरदरा सा हो जाएगा। अगर आपके पास चावल का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप लोग चावल को भी ऐसे ग्राइंड कर सकते हैं। साबुदाना जलेबी में ना क्रिस्पीनेस लाता है और मैदा उसको बाइंड करती है। अब मैं इसे छान लूंगी ताकि ये मोटा मोटा जो है इसमें से निकल जाए और बारीक अलग हो जाए। अब उसी जार के अंदर मैं ये आलू है इन्हीं को मैश कर रही हूँ। इनको क्या है, इनको भी ग्राइंड करना है उसके अंदर। अब मैं इसमें डालूंगी दही, 2 चम्मच दही डालना है हमें ताकि ये टेक्सचर स्मूथ बन जाए। अब मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। ये देखिए, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी इसको लिक्विड फॉर्म में करने के लिए। ये देखिए, ये इसका ग्राइंड हो चुका है, ये कितना स्मूथ टेक्सचर हुआ है इसका। इसमें से ना अच्छी सी खट्टी सी स्मेल आने लगेगी बिल्कुल। ये देखिए, इस साबुदाने के पाउडर में जो आलू मैंने ग्राइंड किए थे उसका पेस्ट निकालेंगे और बाद में हम इसे मिक्स करेंगे। ये पेस्ट डालने के बाद अब मैं इसमें जो मैदा मैंने ली थी वो ऐड करूंगी। ये मैदा मैंने डाल दी है, देखिए मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूंगी ताकि इसका पेस्ट बनता जाए। व्रत वगैरह में आप लोग इसका बना सकते हैं जलेबी को, तो आपको उसके लिए क्या करना है, मैदा की जगह जो सांवके हम यूज करते हैं व्रत में उनका पेस्ट बनाना है और वो 1 कप ले लेना है। साबुदाने वही क्वांटिटी में रहेंगे और आलू भी वही क्वांटिटी में रहेंगे। देखिए इसमें हम पानी धीरे धीरे मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठलियां नहीं पड़े, और गुठलियां पड़ जाए तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इसको धीरे धीरे ऐसे ऐसे घुमाएंगे ना तो इसकी गुठलियां सारी खत्म हो जाएगी। ये जो मिक्सचर है इसमें ना हम थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसको हाथ से फेंटेंगे जिससे ये अच्छे से घुल जाए, तो इसकी जो ये गुठलियां है बारीक बारीक ये सारी मैश हो जाएगी। बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब आपको इसे ना 10 मिनट के लिए रख देना है, कम से कम 10 मिनट के लिए रखना है ताकि ये फर्मेंट हो जाए, थोड़ा फूल जाए। मैं इसे ढक रही हूँ, ढककर इसे रख देना है। जब तक वो बैटर फर्मेंट होता है तब तक हम इमली की चटनी बना लेते हैं। इमली की चटनी के लिए मैंने इमली को भिगो दिया था। अब मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड करूंगी। अगर आप लोगों के पास गुड़ नहीं है तो आप लोग चीनी भी मिला सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए, मेरे पास गुड़ था तो मैंने गुड़ मिला दिया। इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स करेंगे, ये गुड़ इसमें घुल जाएगा। अब हम इसमें 1/4 चम्मच मिर्ची ऐड करेंगे और इसमें 1/4 चम्मच नमक ऐड करेंगे और फिर मिक्स करेंगे और इसे गर्म होने देंगे। जब तक इमली की चटनी बन रही है तब तक हम धनिये की पुदीने की चटनी बना लेते हैं। तो मैंने इसमें
धनिया और पुदीना एक साथ लिया है, उसमें पुदीने की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा है और धनिया थोड़ा कम है, तो आप उसमें पुदीने की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा ही लेना ताकि टेस्ट अच्छा आए। हरी मिर्च ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। ये थोड़ी सी अदरक डाली है मैंने इसमें, ये आधी चम्मच नमक, ये एक चम्मच दही, जीरा है सिका हुआ है ये डालेंगे इसमें, ये पिंच ऑफ काला नमक, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें मिक्स करने के लिए। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। देखिए ग्राइंड हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा इमली का पल्प मिक्स करेंगे जिससे इसका फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। पुदीने की चटनी तैयार है। आपने ये देखिए हमारी इमली की चटनी रेडी हो गई है, कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका। अब हम इसे छान लेंगे। इसे छान रहे हैं हम चम्मच की सहायता से, इसे यूं हिलाना है। हमारी इमली की चटनी अब तैयार है। अब हम ना अदरक कस रहे हैं, कम से कम एक चम्मच अदरक तो होनी ही चाहिए कसने में। ये देखिए बैटर हो गया है। अब हम इसमें अदरक का रस मिक्स करेंगे। देखिए ये मैंने कस ली थी अदरक, उसका रस ऐसे निचोड़कर इसमें मिक्स करेंगे क्योंकि ये साबूदाना फूल नहीं जाए, इसलिए इसको ऐसे मिक्स करना है। फिर इसमें एक छोटा स्पून मिर्ची डालेंगे। आप मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। इसमें आधी चम्मच नमक और ये आधी चम्मच सौंफ। अब हम कोई भी ऐसी गाढ़ी थैली लेंगे, ये मेरे पास जिपलॉक थैली है, देखिए आप कोई सी भी गाढ़ी थैली ले सकते हैं और उसमें ऐसे करके ये बैटर क्यों डालना है आपको। आपको इसको ना ऐसे घुमाना है और ऐसे टाइट कर लेना। देखिए ये कोन जैसा बन गया। अब इसको यहां से कट करेंगे और फिर उससे जलेबी बनाएंगे। आपको आंच को बिल्कुल मध्यम रखना है, इसमें मध्यम मध्यम आंच में ही बनाना है आपको इसे। ये देखिए कैसे फूल गई है ये। आपको ना इससे ज्यादा कलर डार्क नहीं करना है इसका। देखिए कितनी अच्छी और कुरकुरी सी दिख रही है ये। जलेबी चाट बनाने के लिए ये मैंने आलू लिए हैं, इनको मैंने पहले ही बॉईल करके रखा है। ये 5 पोटैटो हैं, आप 4-5 जो भी चाहें वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये बॉईल पोटैटो हैं। अब हम इसमें अनियन मिक्स करेंगे। तो अनियन है 2 बिग साइज के, ठीक है, मिक्स कर दिया। ये ग्रीन चिलीज है, ये 3-4 ग्रीन चिलीज है, आप डाल दीजिएगा अपने टेस्ट के अनुसार। अब हम इसमें ये जलेबी लेंगे जो हमने फ्राई करी है और इसके छोटे टुकड़े करके ऐसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच चाट मसाला, जो मैंने सेक लिया था उसका पाउडर डालना है। हमने जो पुदीने की चटनी बनाई थी वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिक्स कर लीजिएगा। ये आपको चाहिए इमली वाली चटनी, मिक्स करिए। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट भी दीजिए और ट्राई भी कीजिए।